स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 16 जो कई बुक्स में 13 भी है. वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, पानी एक बहुमूल्य संसाधन. जल है तो कल है, ये स्लोगन आपने बहुत जगह सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा. इफ यू हैव वाटर, अगर आपके पास वाटर है, यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर, तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं. यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22nd मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे. आप शायद इसके बारे में जानते होंगे, शायद आपको आप अवेयर हैं कि 22nd मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है. अ स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे, एक स्कूल जो है वो वाटर डे को सेलिब्रेट कर रहा है. एंड इनवाइटेड पोस्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज, और आपकी ही एज ग्रुप के पोस्टर्स जो हैं वो बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं. जैसे कि ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हर जो है बूंद हमें पानी की जो है सेव करनी चाहिए. एवरी ड्रॉप्स काउंट, हर बूंद जो है वो काउंट होती है. यू कैन सेव वाटर, आप पानी को सेव कर सकते हैं. माई बेस्ट फ्रेंड वॉटर, ये सब जो है बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं. सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन द डे आर शोन इन फिगर 16.1. What is the message you get from these posters? आप इन पोस्टर्स से क्या मैसेज पा रहे हैं? इन सब पोस्टर्स से हमें ये पता लगता है कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस देम इन क्लास. आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए अपनी नोटबुक में और डिस्कस कीजिए क्लास में. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? आपको कभी भी पानी की कमी महसूस हुई है घर में या स्कूल में? Your parents or टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वॉटर. टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको बार बार ये एडवाइस करते रहते हैं कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. नो वंडर वी सेलिब्रेट वॉटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वॉटर. में कोई आश्चर्य नहीं है कि हम हर साल वॉटर डे सेलिब्रेट करते हैं. किस वजह से सेलिब्रेट करते हैं? ताकि सबकी अटेंशन मिल सके और सब उसकी इम्पोर्टेंस को जान सके कि हमें वॉटर किस तरह से बचाना है, किस तरह से कंजर्व करना है. द अमाउंट ऑफ वॉटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे. अब यूनाइटेड नेशन ने ये रिकमेंड किया है, ये बताया है एक लिमिट वाटर की, कि हर पर्सन को, यहां पर पर्सन की बात हो रही है, मतलब एक सिंगल पर्सन को ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने के लिए, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन. प्रॉपर हाइजीन मतलब कि अपना प्रॉपर साफ सफाई रखने के बाद उसको कितना पानी चाहिए होता है? 50 लीटर पानी चाहिए होता है एक पर्सन को. दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वॉटर पर पर्सन पर डे. तो ये अमाउंट क्या होता है, मतलब कि 2.5 बाल्टी पानी जो है एक पर्सन को चाहिए डेली के लिए. इज योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वॉटर? क्या आपकी फैमिली में के पर्सन को ये वॉटर मिल पाता है? इफ येस, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन अवर कंट्री डोंट गेट एनफ वॉटर. अगर आपको इतना पानी डेली यूज के लिए मिल पाता है तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए, मतलब कि फॉर्चुनेट समझिए यहां पर, क्योंकि मिलियंस ऑफ करोड़ों में लोगों को इस तरह का पानी, इतना पानी नहीं मिल पाता है डेली यूज के लिए. What about your friends and their families? आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए और उनकी फैमिली से भी बात कीजिए. शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम, और अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर कीजिए. इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वॉटर. कुछ प्लेसेस में बहुत ज्यादा शॉर्टेज, मतलब शॉर्टेज क्या होती है? कमी, पानी की कमी है. लेकिन एक्यूट शॉर्टेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमी है पानी की. टैप्स रनिंग ड्राई, टैप्स रनिंग ड्राई का मतलब है कि जो आपकी टैप से पानी आता है वो ड्राई हो चुका है. टैप्स ड्राई हो चुकी है मतलब उसमें से पानी नहीं आ रहा है. लॉन्ग क्यूज फॉर वॉटर, लॉन्ग क्यूज मतलब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पानी के लिए. फाइट्स होती हैं मतलब लड़ाइयां होती हैं. मार्चेस निकाले जाते हैं एंड प्रोटेस्ट किए जाते हैं, मतलब धरने दिए जाते हैं और मार्च निकाली जाती हैं. फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट. तो अब ये देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स. और समर्स में देखने को ज्यादा मिलता है क्योंकि समर्स में पानी की जो यूज होता है वो भी ज्यादा हो जाता है. सम ऑफ द न्यूज पेपर क्लिपिंग शोन इन फिगर 16.3. पहले हम 16.2 देखते हैं. 16.2 में यहां पर दिखाया जा रहा है कि लॉन्ग क्यू लगी हुई है पानी को लेने के लिए. एंड 16.3 में यहां पर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स दिखाई दे रही है. ऊपर वाली न्यूज़पेपर क्लिपिंग में वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स बताए गए हैं. आप वाटर को लेकर कॉन्शियस हैं, यहां पर वेज बताए जा रहे हैं कि किस तरह से आप वाटर को सेव कर सकते हैं. देन उसके बाद यहां पर ये 2006 की बात की जा रही है जो कि काफी पुरानी बात हो गई है. इफ व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन, अगर 2006 में लेस रेन आती है मतलब कम बारिश होती है तो क्या होगा? तो यहां पर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से ये साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर वाटर को सेव करने की बात की जा रही है. सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन इन फिगर 16.3. 16.3 में हमने कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखी. क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज, इट इज नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्या आपको ये सच नहीं लगता कि हम जो है एक्यूट शॉर्टेज मतलब काफी ज्यादा पानी की कमी से जूझ रहे हैं? एक्टिविटी 16.1,
कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज आइटम्स आर्टिकल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज. आपको क्या करना है, कलेक्ट करने हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैगजीन्स आर्टिकल्स, नए नए आइटम्स, पिक्चर्स जो कि वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड हो, मतलब पानी की कमी से रिलेटेड हो. पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक में उनको पेस्ट कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए. लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास, और कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर मेंशन कीजिए जो कि पर्सन शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रहे हैं और डिस्कस कीजिए अपनी क्लास में. वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. वाटर शॉर्टेज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री का मैटर है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक कंसर्न का मैटर बन गया है यहां पर. इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कुछ साल बाद मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैरसिटी, मतलब एक तिहाई से भी ज्यादा लोग जो होंगे वो वाटर स्कैरसिटी को, पानी की कमी को जो है महसूस करने वाले हैं. बिफोर वी डिस्कस वाई वॉटर इज गेटिंग स्केयर, वी मस्ट नो हाउ मच वॉटर इज अवेलेबल फॉर द यूज ऑन अवर प्लेनेट. अब हम पहले वॉटर की स्केरसिटी, मतलब पानी की कमी के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पूरी प्लेनेट के ऊपर कितना वॉटर अवेलेबल है. यहाँ पर देखते हैं, ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वॉटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब घटते हुए जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाया गया था फ्रेश वॉटर के बारे में, किसमें, ईयर 2003 में. देन आ गया है हाउ मच वॉटर इज अवेलेबल, कितना वॉटर अवेलेबल है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर्स ब्लू, श्योरली यू कैन गेस. आप ये पिक्चर देखिए जो कि स्पेस से ली गई है अर्थ की, और ये किस वजह से ब्लू दिखाई दे रही है. ब्लू क्या है इसमें, क्या शो कर रहा है ब्लू, ये वॉटर को शो कर रहा है. तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ज्यादा पार्ट जो है, ज्यादा स्पेस किसने लिया हुआ है, वॉटर ने लिया हुआ है अर्थ पे. You are aware that about 71% of the earth surface is covered with water. आप सबको ये चीज पता है कि 70% जो अर्थ का सरफेस है वो किस चीज से कवर है, वॉटर से कवर है, तभी इसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है हमारी अर्थ को. Almost all the water, जो सारा वॉटर है अर्थ के ऊपर वो कहाँ कहाँ पे है, सी में, ओशियंस में, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वॉटर एंड इन द एटमोस्फेयर. आइस कैप्स क्या होती है, जो जमी हुई बर्फ होती है, और एटमोस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है, जो कि एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, वेपर्स कंटेंट होते हैं, उसे बोला जाता है एटमोस्फेयर में वॉटर प्रेजेंट है. हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वॉटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली. अब ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, मतलब ह्यूमन इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये वॉटर फिट नहीं है हमारे यूज के लिए. द वॉटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वॉटर, जो हमारे यूज के लिए फिट है वो कौन सा है, फ्रेश वॉटर है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वॉटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेज. अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ पे कितना वॉटर प्रेजेंट है और हम यूज कितना कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी के कुछ स्टेप्स हैं, फिगर की हेल्प से वो दिखाए जा रहे हैं. रिमार्क्स मतलब उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट. अज्यूम मतलब कि हम मान रहे हैं. यहाँ पर टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट विद वॉटर, इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वॉटर. अब यहाँ पर एक बकेट ली है और इसके अंदर इसको वॉटर से भर लिया है, और इसके अंदर कितना वॉटर आया, 20 लीटर वॉटर आया है. अज्यूम दैट दिस वॉटर रिप्रेजेंट ऑल दी वॉटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, तो हमने ये मान लिया है कि इतना अर्थ के ऊपर पूरा पानी प्रेजेंट है. टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 spoons ऑफ वॉटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग. अब जैसे यहां पर आपको बताया जा रहा है कि 70% जो अर्थ का सरफेस है वो वॉटर से कवर है, तो यहां पर उस चीज को अज्यूम करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कितना वॉटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन उसमें से हम यूज कितना कर पा रहे हैं. तो यहां पर 20 लीटर पानी ले लिया है जो कि माना जा रहा है पूरे अर्थ सरफेस पे उतना पानी प्रेजेंट है. 5 ml की टीस्पून ली गई है और उसकी 100 spoons जो है ट्रांसफर की गई है इस मग के अंदर बकेट से. दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल फ्रेश वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के ऊपर. फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 spoons ऑफ वॉटर टू अ ग्लास टम्बलर. अब इसमें से 30 spoon ली गई है एक ग्लास टम्बलर के अंदर. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वॉटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वॉटर. ये जो है ये ग्राउंड वॉटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर जो हम लोग यूज करते हैं. फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर, मतलब इसका 1/4, ये स्पून जो है ये फुल नहीं भरी है, 1/4 spoon जो ली है, स्पूनफुल ऑफ वॉटर फ्रॉम दी मग. अब इससे जो है 1/4 spoon ली है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट ऑल दी वॉटर प्रेजेंट इन ऑल दी लेक्स एंड रिवर्स ऑफ दी वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितनी भी लेक है, जितना भी रिवर्स है, उन सब का पानी कितना है, इतना है 1/4 spoon. सोचिए कितना कम. तो यहां पर कितना वाटर था, और जो आपकी फ्रेश वाटर है वो कितना है अर्थ पे, और यूजेबल वाटर है ग्राउंड वाटर वो कितना है, और फिर उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स में पूरी दुनिया में कितना वाटर है. तो इससे आपको समझ आ रहा है कि अर्थ के सरफेस पे वाटर तो बहुत प्रेजेंट है लेकिन वो सारा फिट फॉर ड्रिंकिंग या फिट फॉर अवर यूज नहीं है. द वॉटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वॉटर प्रेजेंट इन द सी, ओशियन एंड पार्शली एज ग्राउंड वॉटर. दिस वॉटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज. अब
के अंदर जितना भी पानी बच गया वो क्या शो कर रहा है, वो सलाइन मतलब कि खारा पानी है वो, जो कि ओशियंस में मिलता है, सीज में है, एंड पार्शली एज ग्राउंड वाटर। दिस वाटर, ये जो पानी है ये ह्यूमन यूज के लिए यूजफुल नहीं है, फिट नहीं है। द वॉटर लेफ्ट इन द बाथ मग, अब बाथ मग में जो पानी बचा है रिप्रेजेंट्स द वॉटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन ग्लेशियर्स। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस कैप्स की फॉर्म में, और स्नो अगेन नॉट अवेलेबल रेडिली, और ये क्या है परमानेंट स्नो मतलब कि जो पिघलती नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब है एक्टिविटी 16.2, मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वॉटर टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वॉटर जो है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन appreciate the actual amount of water available for human use. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो activity करी है कि human use के लिए कितना amount of water है। Does the finding worry you? क्या ये जो findings निकली हैं इससे आप चिंतित हैं? Discuss this in your class. Wondered about the alarmingly small quantity of water available for our use. वो जो यहाँ पर देखकर हैरान है कि कितना small quantity of water available है हमारे use के लिए। पहली quickly calculated, पहली से quickly calculate कर लेती है इस amount को, and found that this amount is roughly 0.006% of all water फाउंड ऑन दी अर्थ। पृथ्वी पर जितना पानी प्रेजेंट है उसका ये सिर्फ 0.006% है। नेक्स्ट आ गया है 16.2, फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की कितनी फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आर यू अफ्रेड दैट कंटीन्यूअस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल दी वॉटर अवेलेबल फॉर अवर यूज। क्या आप ये सोचकर डर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस यूज मतलब लगातार अगर हम वॉटर को यूज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वॉटर अवेलेबल ही नहीं होगा हमारे लिए। यू नो दैट वॉटर ऑन दी अर्थ हैज बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक दी वॉटर साइकिल। हम सबको ये पता है कि अर्थ जो है वो मेंटेन किए हुए है लाखों सालों से वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू, जिसको हम वॉटर साइकिल बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अब इतनी स्मॉल क्वांटिटी में वॉटर प्रेजेंट है, जो हमने यहां पर क्वांटिटी देखी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में वॉटर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं होता। किस वजह से नहीं होता, क्योंकि एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जिसके कारण वो साइकिल चलती रहती है, जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी सिक्स क्लास में पढ़ रखी है कि सबसे पहले इवेपोरेशन होती है, प्लांट से ट्रांसपीरेशन होती है, देन कंडेंसेशन होती है, देन प्रेसिपिटेशन होती है, और रेन की फॉर्म में वाटर जो है वो दोबारा से अर्थ पे आता है, फिर ग्राउंड वाटर में जाता है, फिर दोबारा से ये सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं, इसी से वाटर मेंटेन रहता है हमारी अर्थ पे। You have studied the water cycle in class 6, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, ये हम class 6 में पढ़ चुके हैं पहले ही। Write in your own words what you know about the water cycle. आप अपने words में लिखिए कि आप water cycle के बारे में क्या जानते हैं। You know that when water circulates through the water cycle, it could be found in all the three forms. हमें सबको ये पता है कि जब water इस form में circulate करता है, मतलब यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन कौन सा फॉर्म था, वाटर से वो किसमें चेंज हुआ, मतलब कि लिक्विड फॉर्म से वो गैशियस फॉर्म में यहां पर चेंज हो रहा है इवेपोरेशन प्रोसेस में। देन उसके बाद जो गैशियस फॉर्म इवेपोरेट होकर वाटर जो है कंडेंसेशन मतलब कि स्काई में आ गया, बादलों में आ गया, तो उसके बाद दोबारा क्या हो रहा है, वो दोबारा से आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एंड देन प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, वो स्नो के फॉर्म में भी गिर रहा है, बर्फ भी गिर रही है वहां पे, वाटर भी गिर रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्म्स चलती रहती है। तीनों फॉर्म दिखाई देंगे, सबसे पहले लिक्विड था वाटर, फिर उसके बाद वो गैशियस फॉर्म में चेंज हुआ, गैशियस से वो जो है दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, और लिक्विड से वो कहीं ना कहीं स्नो के फॉर्म में आ रहा है, मींस कि सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो तीनों फॉर्म आ गई है यहां पर, और रेन की फॉर्म में आ रहा है, तो दैट मींस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पर हमने वॉटर साइकिल के अंदर तीनों फॉर्म्स देख ली हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। That when water circulates through the water cycle, it can be found in all three forms, that is solid, liquid and gas, at any given time somewhere on the earth. तो हमने अब ये देख लिया कि water cycle जब circulate करती है, मतलब ये cycle चलती रहती है, तो इसमें तीनों forms जो है water की देखने को मिलती है, solid, liquid and gas. The solid forms, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth. Snow covered mountains and glaciers. बताया जा रहा है कि धरती पे ये तीन फॉर्म्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सॉलिड फॉर्म जो है वो कहां प्रेजेंट होती है, जब स्नो यहां पर जो है प्रेसिपिटेशन हो रही है तो स्नो की फॉर्म में भी गिरती है, प्रेसिपिटेशन में रेन की फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में भी गिरती है, सॉलिड फॉर्म में भी गिरती है। तो स्नो की फॉर्म में वो कहां प्रेजेंट है, स्नो एंड आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, एज अ आइस कैप्स जो कि पोल्स पे है हमारी अर्थ के, मतलब कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे है। एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी होते हैं एंड ग्लेशियर्स भी होते हैं जहां पर यह सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वॉटर। लिक्विड वॉटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। लिक्विड वॉटर कहां का प्रेजेंट होता है, ओशियंस में प्रेजेंट है, लेक्स में प्रेजेंट है, रिवर्स में, और अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट है, जिसे कि हम ग्राउंड वॉटर बोलते हैं।
फॉर्म इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, जो हमारी एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट है, जैसे कि हम बोलते हैं ना मॉइस्चर कंटेंट है हमारे एटमोस्फेयर में, हमारी एयर में, तो वही होता है वेपर की फॉर्म में, जैसे कि हम गैशियस फॉर्म बोलते हैं। तो अब हमने तीनों फॉर्म देख ली है। सॉलिड फॉर्म में कैसे होता है? स्नो और आइस की फॉर्म में होता है, जो कि आइस कैप के रूप में पोल्स पे प्रेजेंट होता है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स में प्रेजेंट है और ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। लिक्विड फॉर्म किस किस जगह पे प्रेजेंट है? ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में और अंडरग्राउंड। गैशियस फॉर्म किस चीज में प्रेजेंट है? जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे एटमोस्फेयर में वो गैशियस फॉर्म है हमारे वाटर की। द कॉन्टिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन वेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है जिसमें वाटर अपने तीनों फॉर्म से होकर गुजरता है, तो उसके कारण क्या होता है? टोटल अमाउंट जो है वाटर का अर्थ पे वो कॉन्स्टेंट रहता है। मीन्स कि चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, लेकिन वाटर का जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंट रहता है। जबकि हाँ, पूरा वर्ल्ड जो है उसे यूज कर रहा है वाटर को, फिर भी वो कॉन्स्टेंट रहता है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? क्या ये आपको कुछ रिलीफ दे रहा है? देखिए स्टूडेंट, यहां पर कॉन्स्टेंट का मतलब क्या बताया जा रहा है? चाहे वो पानी गंदा हो गया है, चाहे वो पानी जो है रिवर्स में चला गया है, किसी भी फॉर्म में चला गया है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस जो हमने बात की थी, लेकिन उसका जो लेवल है वो यहां पर कॉन्स्टेंट रह रहा है, जबकि पूरी दुनिया वाटर को यूज कर रही है। तो क्या ये चीज सुनकर आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है? कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वॉटर साइकिल? क्या आपको पूरा प्रोसेस पता है वॉटर साइकिल का, जो मैंने आपको थोड़ा सा अभी ब्रीफ में बता दिया है? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प, ये एक्टिविटी आपको इस चीज में हेल्प करेगी। एक्टिविटी 16.3, फिगर 16.5 शोज द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द वॉटर साइकिल। अब यहां पर 16.5 में वॉटर साइकिल के सारे प्रोसेस दिखाए गए हैं। दे आर लेबल्ड बाय नंबर्स, ये नंबर से लेबल किए गए हैं। मैच दीज नंबर विद द प्रोसेस गिवन इन द जंबल्ड फॉर्म, और ये जंबल्ड फॉर्म में दिया गया है, इन्हें हम करेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है आपका वो यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ग्रास के नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर। तो ये यहां पर आप ठीक कर देंगे, ग्राउंड वाटर। सेकेंड में यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस है। थर्ड जो है, अब थर्ड में यहां पर क्या है, वाटर आपका कंडेंस हो गया है, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। फोर्थ में आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपके क्लाउड फॉर्म हो गए हैं, तो यहां पर क्लाउड्स आएगा। देन फिफ्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर वाटर कहां से इवेपोरेट हो रहा है, दो जगह से इवेपोरेट हो रहा है। एक तो आपका क्या हो रहा है, यहां पर जो वाटर बॉडीज हैं उनसे यहां पर वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जैसे सी ओशियंस हो गए आपके। यहां पर फिफ्थ में क्या दिखाई दे रहा है, प्लांट से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहां पर फिफ्थ में आएगा ट्रांसपीरेशन। सिक्स जो है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिक्स में यहां पर क्या है, रेन गिर रही है। सेवंथ में आपका प्रेसिपिटेशन आएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर रेन यहां पर आ रही है इस फॉर्म में। सिक्स्थ जो नंबर है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर सीप हो रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा इनफिल्ट्रेशन। सेवंथ जो है उसमें मैंने आपको बता दिया, दैट इज प्रेसिपिटेशन। पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया गया है कि ग्राउंड वाटर से वो वाटर बॉडीज में जाता है, वहां से वो इवेपोरेट होता है, उसे इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। प्लांट्स में जो इवेपोरेशन होता है उसे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहा जाता है। देन उसके बाद क्लाउड फॉर्म होते हैं आपके, यहां पर कंडेंस होते हैं ये और क्लाउड फॉर्म्स होते हैं। क्लाउड फॉर्म के बाद प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है दोबारा से, क्योंकि ट्रीज क्या है, हमारे नेचुरल एब्जॉर्बर है, तो उनसे सीप होकर वाटर कहां जाता है, दोबारा से आपका ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका वाटर साइकिल का। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई मेंटेन्ड बाय द सिविक बॉडीज। अब सिविक बॉडीज कौन सी होती है, जैसे नगर पालिका वगैरह होती है, तो ज्यादातर टाउन्स में और सिटीज में जो वाटर सप्लाई है वो कौन मेंटेन करता है, नगर पालिका। द वॉटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। जो वॉटर है वो कहां से मिलता है, नियर बाय लेक से, रिवर से, पॉन्ड से और वेल से। द वॉटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। सिक्स क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि वॉटर कहां से सप्लाई होता है, पाइप्स का नेटवर्क डाला गया है अंडरग्राउंड, तो उससे जो है वॉटर सप्लाई होता है आपके घरों तक। मैनी विलेजेस डोंट हैव सच अ वॉटर सप्लाई सिस्टम, लेकिन बहुत से गांव अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर वो पाइप सिस्टम अभी तक, नेटवर्क ऑफ पाइप्स नहीं लगा है, वो वॉटर सप्लाई सिस्टम नहीं काम करता है। देयर पीपल फैच वॉटर डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्सेज। यहां पर लोग जो है वो डायरेक्टली सोर्स तक जाकर, सोर्स का मतलब क्या है, वेल तक जाकर, लेक तक जाकर या रिवर्स तक, पॉन्ड्स तक जाकर, वहां से जो है पानी के लेके आते हैं वो। ऑफन पीपल एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वॉटर, और बच्चों को जो है काफी किलोमीटर्स चल के जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, काफी दूर दूर से ये पानी भर के लेके आते हैं। द चिल्ड्रन सफर अलोट, बच्चे जो है वो काफी सफर करते हैं। दे कांट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वॉटर्स। वो अपना स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाते हैं रेगुलरली, किस वजह से, क्योंकि उनके काफी ज्यादा टाइम लग जाता है वॉटर को लेके आने में। Have to perform a number of household chores. If they have also to spend time to fetch water, it adds to their burden. यहाँ पर वो जो कह रहा है कि पहले ही औरतों के पास जो है काफी सारे household chores होते हैं करने के लिए, अगर वो पानी भी जो है काफी दूर दूर से भर के लाएंगे, तो ये एक extra burden है उनके ऊपर।
अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपंप्स. फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर? लोग जो है वो पानी कहां से लेकर आते हैं? वेल से लेकर आते हैं, मतलब कुओं से, ट्यूबवेल से लेते हैं, हैंडपंप से लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहां पर वाटर आता कैसे है, मतलब वेल्स में कैसे आता है, ट्यूबवेल्स में और हैंडपंप्स में वाटर कहां से आता है? 16.3 ग्राउंड वाटर एज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. अब यहां पर ग्राउंड वाटर को एक इम्पोर्टेंट सोर्स बताया गया है वाटर का, और ये इन सब चीज का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा. इफ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट. अगर हम कोई भी गड्ढा खोदते हैं ग्राउंड में जिसके आसपास जो है क्या है, कोई भी वाटर बॉडी है, मतलब रिवर हो, लेक हो, पोंड हो, कुछ भी हो, तो उसके आसपास जब हम गड्ढा खोदते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट है. सॉइल मॉइस्ट है मतलब कि अगर मिट्टी वहां पर गीली है तो दैट मीन्स वहां पर कहीं ना कहीं पानी प्रेजेंट है. द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट है सॉइल में तो इसका मतलब वाटर भी जो है अंडरग्राउंड वहां पर प्रेजेंट है. इफ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वॉटर. आप उसे जितना गहरा करते जाएंगे तो एक ऐसा लेवल आएगा कि जो सारा स्पेस है सॉइल पार्टिकल्स के बीच का और जो रॉक्स के बीच का गैप है वो किससे फिल्ड होगा, वॉटर से फिल्ड होगा. द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वॉटर टेबल. तो इसके अपर लेयर को क्या कहा जाता है, वॉटर टेबल कहा जाता है. जैसे कि इस फिगर 16.7 में आपको ग्राउंड वाटर यहां पर दिखा रखा है. ऐसा लेवल आ जाएगा उसमें जब ज्यादा डीप तक उसे डिग करते जाएंगे कि जिसमें सॉइल पार्टिकल्स और जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में क्या होगा, पूरा वॉटर फिल्ड होगा. तो इसे कहा जाता है जो ऊपर वाली लेयर होती है वॉटर टेबल. तो इन छोटे छोटे टर्म्स को आपको जरूर याद रखना है. द वॉटर टेबल वेरीज फ्रॉम वॉटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस. टेबल फिक्स नहीं होती है कि भाई यहां पर इतने पॉइंट पर ही वॉटर टेबल मिलेगी. मीन्स अगर किसी ने डिग किया, मान लीजिए किसी ने 3 मीटर तक डिग किया तो उसे वॉटर टेबल वहां मिल गई. अगर किसी ने 5 मीटर तक डिग किया तो उसे वॉटर टेबल वहां मिली. तो इसमें जो है प्लेस टू प्लेस ये चेंज होती है, और इवन एक ही प्लेस पर भी ये दूसरी बार चेंज मिल सकती है. वॉटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. वॉटर टेबल की डेप्थ जो होती है वो कई बार 1 मीटर से भी कम होती है और कई बार सेवरल मीटर्स होती है बिलो द ग्राउंड. तो ये जो है सेम नहीं होती है. द वॉटर फाउंड बिलो द वॉटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर. जो पानी वॉटर टेबल के नीचे मिलता है उसे ग्राउंड वॉटर कहा जाता है. वट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वॉटर. सोर्स क्या है ग्राउंड वॉटर का, वहां पर कैसे आता है. द रेन वॉटर एंड वॉटर फ्रॉम दी अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स, पॉन्ड, सीप्स थ्रू दी सॉइल एंड फिल दी एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो दी ग्राउंड. जो रेन वाटर होता है या फिर किसी और सोर्स से जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, सॉइल में सीप हो जाता है. जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं. जब रेन वहां पर आती है तो उनकी स्टेम से, उनकी ब्रांचेस से होते हुए कहां पर जाता है पानी, उनके रूट्स में जाता है, और रूट्स के बाद वो किसमें, सॉइल के अंदर नीचे सीप हो जाता है. क्यों, क्योंकि जितने भी ट्रीज होंगे वहां पर वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे वाटर को सीप होने के लिए अंडर द ग्राउंड. तो फिर वो सीप होता होता कहां पर जाता है, ग्राउंड में जाता है, और वहां पर जो स्पेसेस और क्रैक्स होते हैं उनके बीच में वो वाटर चला जाता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड. तो इस प्रोसेस को, जो सीपिंग ऑफ वाटर का ये प्रोसेस है जो कि ग्राउंड में जाता है पानी, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. जो हमने ऊपर यहां पर देखा था इनफिल्ट्रेशन होता है, यहां पर कौन सा स्टेप था, वो 6th स्टेप था. जो यहां पर दिखाई दे रहा है कि रेन आ रही है, उसके बाद ट्रीज क्या कर रहे हैं, उस वाटर को अलाउ कर रहे हैं सीप होने के लिए ग्राउंड वाटर में. तो उस प्रोसेस को आपका बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन. This is the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. अब aquifer क्या होता है और infiltration क्या होता है. Infiltration में जैसे हमने पढ़ा, ये water को recharge करता है, और ये क्या करता है, allow करता है seeping water की into ground. इसे infiltration कहा जाता है. और ये क्या होता है, जो aquifer होता है, मतलब जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनके नीचे जो वाटर मिलता है उसे एक्वीफर कहा जाता है. वाटर इन द एक्वीफर कैन बी यूजुअली पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंडपंप्स. वाटर जो है वो कैसे निकाला जाता है एक्वीफर से, मतलब कि इस लेवल से कैसे निकाला जाता है अंडर द रॉक, वहां पर ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं या फिर वहां पर हैंडपंप्स लगाए जाते हैं. और ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है. क्यों, क्योंकि यहां पर जो हार्ड रॉक होती है, जैसे कि यहां पर बताया गया है हार्ड रॉक के नीचे होता है ये, तो हार्ड रॉक को तोड़ा जाता है और फिर यहां पर वो इंस्टॉल किए जाते हैं और फिर वाटर यूज किया जाता है. Have you ever seen to a site where construction work is going on? कभी भी कोई ऐसी साइट देखी है जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो? From where do the worker get water for construction? कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स जो हैं वाटर कहां से लेते हैं? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. अब बोर्ड ने उन साइट्स पे देखा होगा कि बोरिंग की जाती है ताकि वाटर टेबल तक रीच किया जा सके. जैसे कि यहां पर दिखाया जा रहा है कि यहां पर बोरिंग की गई है और वाटर टेबल तक ये रीच कर गए हैं और फिर उसके बाद यहां पर वाटर यूज किया जाता है. Inquire from the people working there how deep they have to dig. आप वहां के लोगों से पूछ सकते हैं, जो वहां पर वर्कर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपने कितना डीप इसे जो है खोदा है, यहां पर डिग किया है.
कीप ऑन ड्रॉइंग वॉटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, क्या हम बार बार पानी जो है ग्राउंड से निकाल सकते हैं? हाउ विल इट अफेक्ट द वॉटर टेबल, ये वॉटर टेबल को कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए स्टूडेंट, एक लेयर होती है जिसे कि वॉटर टेबल कहा जा रहा है, जो कहां पे है, ग्राउंड से नीचे है। तो ये ग्राउंड लेवल है, इससे नीचे यहां पर वॉटर टेबल है जहां पर वॉटर जो है प्रेजेंट है। अगर जो है बार बार यहां से विड्रॉ किया जाएगा वॉटर को, इस तरह से मान लीजिए बोरिंग की गई है, हैंडपंप्स लगाए गए हैं और उससे वॉटर बार बार निकाला जा रहा है, तो क्या है, वॉटर लेवल जो है, जो ये वॉटर टेबल का लेवल है वो नीचे चला जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे कम होता रहेगा और ज्यादा नीचे जाता जाएगा। तो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं 16.4 डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब वाटर टेबल का डिप्लीशन, मतलब कि उसकी कमी हो जाना। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। तो यहाँ पर भी ये वर्ड आ रहा है सीपेज, और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, इनफिल्ट्रेशन में पढ़ा था कि जो प्रोसेस होता है वाटर की सीपिंग का इनटू द ग्राउंड। जो यहाँ पे जैसे ये ट्री है और ये ग्राउंड लेवल है, अंडर द ग्राउंड में क्या है, ये वाटर टेबल का लेवल है और यहाँ पर जो है ये वाटर बाहर निकाला जा रहा है यूज के लिए। तो जितनी बारिश आएगी, मतलब मान लीजिए रेन है, यहाँ पर रेन आ रही है, तो ट्री क्या करते हैं, ट्री नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं और वो धीरे धीरे वाटर जो है उसमें दोबारा से सीप होने देते हैं, मतलब कि वाटर की सीपेज यहाँ पर होती है। तो जितना पानी बाहर निकाला गया है उतना ही पानी जो है यहाँ पर सीप होना चाहिए, सीपेज उसकी होनी चाहिए, तभी ये वाटर टेबल जो है ये मेंटेन रह पाएगा यहाँ पर लेवल। तो ये यही कहना चाह रहे हैं इसमें, द वाटर टेबल डजंट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस मतलब दोबारा से उतना ही पानी आ जाए नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। नेचुरल प्रोसेस में क्या आता है, जैसे रेन है आपकी, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो है रिप्लेनिश हो जाए वहां पर, तो वो वाटर टेबल वो वहां पे मेंटेन रह सकती है। However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons. अब ये कह रहे हैं water table नीचे जा सकती है, मतलब कि एक जगह यहाँ पर maintain कब रहेगी water table, जब जितना पानी बाहर निकाला जा रहा है उतना ही पानी natural resources से seep होकर उस level तक आ रहा है, तो ये maintain रहेगा। जैसे देखिए आपने कोई बर्तन है, मान लीजिए घड़ा है, आपने उसमें से पानी निकाला, आप ग्लास ग्लास करके पीते हैं, आप शाम को उसको भर के रखेंगे तभी तो आपको अगले दिन उस घड़े में पानी मिलेगा। अगर आप उसको भर के ही नहीं रखेंगे तो उसमें पानी कैसे मिलेगा? तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि अगर सोर्सेज में उससे उतना पानी वापस नहीं आ रहा है जितना हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर टेबल नीचे जा सकती है। दिस में हैपन ड्यू टू मेनी रीजन, ये काफी रीजन से हो सकता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। अब देखिए पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वाटर की नीड भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। वाटर की नीड इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगी, वाटर टेबल डिस्टर्ब होगी। सेकेंड चीज इन्होंने बताया, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, फर्स्ट पॉपुलेशन होगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियल यूज के लिए लगा लीजिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लगा लीजिए, जिनमें पानी की जरूरत होती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी वाटर टेबल जो है डिस्टर्ब होगी। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण क्या होती है, वाटर टेबल अफेक्ट हो पाती है। तो ये यहाँ पे यही बताया गया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। स्केंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर। स्केंटी रेनफॉल मतलब कि कम बारिश होना। कई बार आपने सुना होगा किसी जगह पर कम बारिश होती है, किसी जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो फिर स्केंटी मतलब कि बारिश की कमी के कारण भी जो है ये वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो सकती है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफोरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन दी अफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। तो सीपेज ऑफ वाटर आपको जरूर याद रखना है, हर चीज की एक्टिविटी में ये काम आ रहा है ये वर्ड। आप अब ये उसके बाद क्या फैक्टर कह रहे हैं, उसके बाद ये फैक्टर कह रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीफोरेस्टेशन। डीफोरेस्टेशन की वजह से भी क्या हो सकती है, वाटर टेबल अफेक्ट होती है। किस वजह से, अब हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि रेन है, रेन से वाटर जो है वो क्या हो रहा है, सीप हो रहा है नीचे, विद द हेल्प ऑफ जो ये ट्रीज हैं, इनकी हेल्प से ही वाटर जो है उसकी सीपेज हो रही है और वाटर टेबल मेंटेन रह पा रही है। लेकिन अगर यहां पर ट्री ही नहीं होंगे तो सोयल भी यहां पर नहीं रुकेगी, सोयल भी यहां से सारी की सारी क्या हो जाएगी, बह जाएगी और किसी भी स्ट्रीम में चली जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी वाटर टेबल में सीपेज नहीं हो पाएगी प्रोसेस, तो इसी वजह से वाटर टेबल यहां पर मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर पड़े स्टूडेंट्स, सबसे पहले है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका यूज बढ़ेगा वाटर का, तो इस कारण से वाटर टेबल अफेक्ट हो सकती है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज खेती वगैरह के लिए जो लैंड चाहिए होते हैं, तो उस कारण से वाटर टेबल अफेक्ट हो सकती है। एंड थर्ड जो है सबसे बड़ा रीजन कि रेनफॉल या तो कम हो या फिर डीफोरेस्टेशन। डीफोरेस्टेशन में क्या होगा, फॉरेस्ट को काटे जाना, मतलब अंधाधुंध फॉरेस्ट की कटाई होना, जिसकी वजह से पेड़ ही नहीं होंगे तो सीपेज का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वाटर टेबल जो है आपकी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये भी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं।
देन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना आप थोड़ा सा ये डिटेल में बता रहे हैं इसे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। ऐसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसी के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हाउसेस की कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, शॉप्स ज्यादा बनेंगी, ऑफिसेस ज्यादा बनेंगे, रोड्स ज्यादा बनेंगे एंड पेवमेंट्स मतलब फुटपाथ ज्यादा बनेंगी। दिस डिक्रीज दी ओपन एरिया लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। तो इससे क्या हो रहा है, ओपन एरियाज भी जो है वो कम होते जा रहे हैं। कैसे, अब जो ओपन एरिया है उसी के ऊपर तो कंस्ट्रक्शन होगी ना, चाहे हाउसेज की है, शॉप्स की है, ऑफिसेज की, रोड्स की, पेमेंट्स की, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो ओपन एरियाज में हो रहा है। तो इसके कारण जो पार्क है, जो प्लेग्राउंड्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। दिस इन टर्न डिक्रीज दी सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू दी ग्राउंड। वट कुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज, रिकॉल दैट अ पक्का फ्लोर डजंट अलाउ वाटर टू सीप इन इजिली, वाइल इन अ ग्रास लॉन वाटर सीप्स थ्रू इन नो टाइम। अब इस चीज को ध्यान से समझिए स्टूडेंट, यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, सीपेज जो है रेन वाटर की ग्राउंड में वो डिक्रीज हो रही है। किस वजह से हो रही है, क्योंकि पक्का फ्लोर, पक्का फ्लोर जैसे कि आप अपने घर में देखेंगे जो सीमेंटेड फ्लोर होता है, टाइल्स लगी होती है, वहां पर क्या होता है वो पक्का फ्लोर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वहां पर डायरेक्ट सोयल आपको कहीं पर नहीं दिखती है, तो इस वजह से वहां पर सीपेज नहीं होती है। अब एक जगह पर जहां पर ट्री है तो वहां पर क्या होगी, इजी होगी सीपेज होनी, सॉइल के अंदर इजी होगी सीपेज होनी वाटर की, जो रेन वाटर आता है। लेकिन जहां पर पक्का फ्लोर है, रोड्स बनी हुई हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन जहां पर हुई हुई है, तो वहां पर क्या होगा, वहां सॉइल प्रेजेंट नहीं होगी, फ्लोर्स प्रेजेंट होंगे, पक्के फ्लोर या रोड्स प्रेजेंट होंगी, तो उसमें क्या होगी, उसमें रेन वाटर जो है वो अंदर सीप नहीं कर पाएगा, वो बह के कहां चला जाएगा, आपके स्ट्रीम्स में चला जाएगा, जैसे रिवर में, लेक्स में, इनमें चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वाटर टेबल अफेक्ट होगी, क्योंकि पानी की सीपेज नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर कैसे मिलेगा। तो यही चीज इसमें बताई जा रही है, डजंट अलाउ वाटर टू सीप इन इजीली, जबकि जो ग्रास लॉन होते हैं वो वहां पर वाटर जो है इजीली सीपेज उसकी हो सकती है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Construction increase होती है तो कई चीजों की construction की demand बढ़ जाती है, तो construction work के लिए भी बहुत ज्यादा amount में water चाहिए होता है। Often ground water is used for this purpose, और इस purpose के लिए ground water को ही use किया जाता है। Means अब जैसे जहां पर पहले मान लीजिए एक लैंड था या ग्रास लॉन कह लीजिए इसे, तो अब इस पे जो है घर बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, रोड बन रही है, कुछ भी चीज बन रही है, पहले यहां पर सीपेज भी हो रही थी वाटर की, और नीचे वाला ग्राउंड लेवल जो है, जैसे कि वाटर टेबल बोल रहे हैं जिसे हमें, वो मेंटेन भी था। लेकिन अब यहां पर क्या है, इस पूरे एरिया को क्लीन भी किया जा रहा है, और यहां पर क्या बनाया जा रहा है, पक्का मकान बनाया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही है, जो भी चीज बनाई जा रही है, तो वाटर तो वो ग्राउंड का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न वो वहां पर जो रेन वाटर है या नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से वो रिप्लेनिश नहीं होने दे रहे, मतलब वापसी उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो उससे के कारण क्या होगा, यहां पर वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है, ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन की चीजों में। सो ऑन दी वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, एक तरफ तो हम बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, एंड ऑन दी अदर हैंड वी आर अलाउइंग लेस वाटर टू सीप इन टू दी ग्राउंड, और दूसरी तरफ जो है बहुत ही कम पानी सीप हो पा रहा है, सीपेज हो पा रही है उसकी ग्राउंड में। दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, तो इसके कारण जो है वाटर टेबल की डिप्लीशन होती है। इनफैक्ट दी वाटर टेबल इन सम पार्ट ऑफ मेनी सिटीज हैज गोन डाउन टू अलार्मिंगली लो लेवल्स, मतलब कई सिटीज में के कुछ पार्ट्स में तो वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है कि वो एक अलार्म साइन है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे वाटर टेबल को अफेक्ट करती है। सेकंड है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही है उसके कारण वाटर टेबल कैसे अफेक्ट हो रही है। वाटर इज यूज बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री को वाटर की जरूरत होती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं आज के दिन, हर चीज में, लगभग हर चीज में जो है उसकी प्रोडक्शन में वाटर की जरूरत होती है, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली, इंडस्ट्रीज का नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर चीज की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। वाटर यूज बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज्यादातर वाटर जो है इंडस्ट्रीज के द्वारा जो यूज किया जाता है वो कौन सा वाटर होता है, वो ग्राउंड वाटर होता है। इस वजह से जो है वाटर टेबल हमारी अफेक्ट हो रही है। एक्टिविटी 16.4, नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू, कुछ इंडस्ट्रीज का आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गई है, क्लोदिंग इंडस्ट्री हो गई है, फूड इंडस्ट्री हो गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज, उनसे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं एंड यूज इन अवर डेली लाइफ, और हमारी डेली लाइफ में वो कैसे यूज होते हैं। डिस्कस विद योर टीचर एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्री एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिस्कस कीजिए अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि कैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो ग्रो कर रही है और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है वाटर टेबल के डिप्लीशन के लिए। सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अब मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। मेजोरिटी ऑफ फार्मर मतलब ज्यादातर जो फार्मर्स है इंडिया में वो किस पे डिपेंड करते हैं, रेन पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपनी फसलों की सिंचाई के लिए। इरीगेशन को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोला जाता है, अपनी फसलों को पानी देने के लिए
लिए, सिंचाई करने के लिए। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। इरिगेशन सिस्टम जैसे कि नहर वगैरह जो बनाई गई है उसकी हेल्प के लिए, तो वो भी कुछ ही जगह पर है, हर जगह पर नहीं है। इवन दीज सिस्टम्स में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेक्टिक रेनफॉल। नहर वगैरह भी जो है कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाती, मतलब इरिगेट करने के लिए सफिशियंट नहीं हो पाती। किस वजह से? इरेक्टिक रेनफॉल की वजह से, मतलब कि बारिश की कमी की वजह से। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। इसलिए किसानों को क्या करना पड़ता है? ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे, दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो अब देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हाउसेज की डिमांड, ऑफिस की डिमांड, इन सब की डिमांड बढ़ती है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से एग्रीकल्चर मतलब फसल की भी डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो इस वजह से क्या है, ज्यादा यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर, और उसके कारण जो है वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट है 16.5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का पूरे ग्लोब में वो अनइवन है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम है, अनइवन है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो ग्लोब पे मतलब कि हमारी दुनिया में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कि हर जगह सेम वाटर अवेलेबल नहीं है, जो कि काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। कई जो प्लेसेस होते हैं वो वाटर रिच है, मतलब कि वहां पर पानी जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्केंटी रेनफॉल। और कई जगह ऐसी हैं जैसे कि डेजर्ट का एग्जांपल दे रखा है यहां पर, जहां पर रेनफॉल कम होता है। इज अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया जो है एक बहुत ही विशाल देश है, यहाँ पर रेनफॉल जो है हर जगह सेम नहीं होती है। सम रीजंस हैव एक्सेसिव रेन्स व्हाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। कई जगह पर तो है बहुत ज्यादा रेन होती है और कई जगह पर बहुत ही कम बारिश होती है। एक्सेसिव रेन कॉजेज फ्लड वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेयर रिजल्ट इन ड्रॉट्स। एक्सेसिव रेन से क्या होता है, मतलब ज्यादा बारिश जहां पर होगी वहां पर क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। जबकि जहां पर एब्सेंस ऑफ रेन मतलब जहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर क्या होता है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है। देयरफॉर सम रीजंस इन अवर कंट्री मे हैव फ्लड व्हाइल अदर मे सफर फ्रॉम ड्रॉट एट द सेम टाइम। तो इसीलिए एक ही टाइम पर कई बार हमारी कंट्री में क्या होता है कि किन्हीं इलाकों में जो है ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से फ्लड आ जाती है, मतलब कि बाढ़ आ जाती है, और कई जगह जो है वो कम रेनफॉल की वजह से सूखा पड़ जाता है सेम टाइम पे। एक्टिविटी 16.5, गिवन हेयर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक रेनफॉल मैप दिया गया है इंडिया का। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री। इसमें एवरेज एनुअल रेनफॉल बताई गई है अलग अलग रीजन जो है हमारी कंट्री के उनकी। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। आप लोकेट कीजिए जहां पर आप रहते हैं। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशियंट रेनफॉल। क्या आपकी जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर सफिशियंट रेनफॉल हो रही है? इज देयर सफिशियंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर। क्या जहां पर आप रहते हैं वहां पर सफिशियंट वाटर रहता है पूरे साल? इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशियंट रेनफॉल येट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस जगह पर हम रहते हैं वहां पर रेनफॉल तो मतलब कि बारिश तो सफिशियंट होती है लेकिन वाटर की फिर भी शॉर्टेज है। कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्या हम इस चीज के लिए मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, मतलब कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे उनको अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले हम 16.8 देखते हैं। ये देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है जो नेवी ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू कलर में है, मतलब वहां पर रेनफॉल कितनी हो रही है, अबव 400 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो ये एरिया है यहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है। देन जो उससे लाइट में है वो वहां पर 200 टू 400 हो रही है, जैसे यहां पर ये एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो एरिया हो गया है एंड ये वाला एरिया यहां पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है तो जो ब्लू कलर में आ गए हैं आपके 100 टू 200, जैसे ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है यहां पर, देन उससे लाइट होते जाएंगे तो रेनफॉल वहां पर जो है कम होती जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर सफिशियंट रेनफॉल हो रही है या नहीं। देन आ गया है वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर को मैनेज कैसे किया जा रहा है? यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन मेनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम। हम 6 क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि ग्राउंड वाटर को क्या है, एक पूरा पाइप सिस्टम बना रखा है और उसके हिसाब से ही हमारे घरों में सप्लाई होती है। व्हेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशन। जब सिविक अथॉरिटी मतलब जो नगर पालिका वगैरह है हमारी, वो क्या करती है, सप्लाई करती है वाटर को पाइप्स के थ्रू, तो हर जगह डेस्टिनेशन तक पानी नहीं पहुंच पाता है। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप। आपने देखा होगा कि कई बार जो है सप्लाई पाइप जो होता है उसमें लीक हो जाता है और उसके कारण वाटर जो है गशिंग आउट मतलब कि पाइप से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटी टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर।
ये हमारी सिविक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की वेस्टेज जो हो रही है हमारे बहुमूल्य पानी की, उसको प्रिवेंट करे, खत्म करे। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। और ऐसा नहीं है कि हमेशा जो अथॉरिटीज होती हैं, सिविक अथॉरिटीज होती हैं, उन्हीं से ही गलती हो। कई बार जो है मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज जो है हमारे लेवल पर भी होती है, हम लोग भी उसमें मिसमैनेज करते हैं, वेस्ट करते हैं अपने वाटर को। ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर, हम जो है जानबूझ के या कई बार अनजाने में वाटर को वेस्ट करते हैं। किस टाइम पे? वाइल ब्रशिंग टीथ, ब्रश करते हुए कई लोग जो है अपनी टैप ऑन रखते हैं, शेविंग करते हुए, बाथिंग मतलब नहाते हुए, वॉशिंग करते हुए, कपड़ों को धोते हुए, एंड ड्यूरिंग सम अदर एक्टिविटीज, और कुछ और एक्टिविटीज करते हुए। टैप इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। अब टैप जब लीक होती है तो उसमें से भी काफी वाटर जो है वेस्ट हो जाता है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डोंट नीड वाटर दी नेक्स्ट टाइम। हम इस तरह से वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, जैसे कि हमें आगे वाटर जो है चाहिए ही नहीं। सीन दैट मोस्ट ऑफ द वॉटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वॉटर रेनफॉल के द्वारा जो आ रहा है धरती पे, वो क्या हो रहा है? फ्लो अवे, मतलब बहता हुआ चला जा रहा है। दिस इज अ वेस्टेज ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है रेन वाटर, वो यहाँ पर वेस्ट होता जा रहा है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जबकि हम उस रेन वाटर से अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। दिस इज रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसी को क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब हम रेन वाटर को क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कि उसको बचाते हैं अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास सिक्स, जो आप क्लास सिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इस तरह से होता है ये, जब रेन आती है तो उसको इस तरह से यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, मतलब उसकी हार्वेस्टिंग की जा रही है, कलेक्ट किया जा रहा है, उसको वेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो उसके साथ जो है काफी सारी पाइप्स जो है वो अटैच कर दी जाती हैं, जो कि अलग अलग वाटर रिसोर्सेज में अटैच कर दी जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर भी रिचार्ज होता है और हम उसे अपने डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज कर पाते हैं। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। आप अपने नेबरहुड में देखिए कि क्या कोई किसी बिल्डिंग के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल है। वी हैव एट मेनी प्लेसेज इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज। हमारे इंडिया में कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी पुरानी जो प्रैक्टिस चलती आ रही है वाटर को स्टोर करने की और वाटर रिचार्ज करने की, जैसे कि उनमें से एक है बावरी। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। बावरी जो है एक ट्रेडिशनल, मतलब पुराना तरीका है पानी इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का। विद द टाइम द बावरीज into disuse and garbage started spilling in these reservoir. टाइम के साथ साथ बावरी जो है वो डिसयूज, मतलब कि उन्हें यूज में नहीं लिया जाता था, और उसमें जो है गार्बेज, कूड़ा करकट भरने लग गया। हाउएवर बिकॉज ऑफ द एक्यूट शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, लेकिन जो इतनी ज्यादा वाटर की शॉर्टेज हो रही है, बहुत ज्यादा वाटर की कमी हो रही है, उसकी वजह से पीपल इन दीज एरियाज हैव हैड टू रीथिंक। तो इस वजह से पीपल जो उस एरिया में जहां पर बावरी प्रेजेंट है, वो दोबारा से सोचने लगे, एंड द बावरी आर बींग रिवाइव्ड, और इससे बावरी को दोबारा से यूज में लाने लगे। टूडे द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्केंटी रेनफॉल दीज प्लेसेज आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड्स वेल। आज के दिन सिचुएशन कैसी है कि अब जहां पर स्केंटी रेनफॉल, मतलब बारिश की कमी है, बारिश कम आती है, उन प्लेसेस पे भी जो है वाटर की नीड फुलफिल हो रही है। ये देखिए इस तरह की होती है बावरी, जो कि ज्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी। फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। एक किसान जो वाटर को यूज कर रहा है अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर के लिए, तो वो भी वाटर को इकोनॉमिकली, मतलब कि समझदारी से यूज कर सकता है। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरीगेशन। आपने हो सकता है ड्रिप इरीगेशन के बारे में सुना हो। ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबलिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। जैसे कि 16.9 में यहां पर दिखा रखा है, यहां पर इस तरह की पाइप लगाई गई है कि जहां पर प्लांट है वहीं पर यह पानी जाएगा, वहीं पर पानी की सप्लाई होगी, ताकि वाटर जो है प्लांट्स को इजीली मिल सके और वाटर की वेस्टेज भी ना हो। तो इसे कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन इन अ फील्ड। तो इस तरह की इरिगेशन को ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। व्हाट रोल, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें वेस्टेज नहीं हो रही है। व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ यू सो अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस। क्या आपने कभी कंसर्न शो किया है अगर आपने घर में लीकेज टैप देखी है, स्कूल में देखी है, या किसी और जगह पर देखी है। लीकिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। लीकिंग टैप से हमें लगता है कि बूंद बूंद पानी ही टपक रहा है, लेकिन उससे बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। मस्ट मेक एफर्ट टू स्टॉप दिस लीकेज। आपको इस तरह की लीकेज, जो लीकिंग टैप होती है, उसको रोकने के लिए एफर्ट लगाने चाहिए। जैसे कि अगर घर में हो रही है तो अपने पेरेंट्स को बताइए उसके बारे में, अपने टीचर्स को बताइए अगर स्कूल में हो रही है, और किसी और जगह पर अगर आप देख रहे हैं आप, तो अपने एल्डर्स को उस चीज के बारे में इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वो उस चीज को रिपेयर करवा पाए। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज दी वेस्टेज ऑफ वाटर। आप कई तरीके अपना सकते हैं ताकि वेस्टेज जो है वाटर की, उसको कम किया जा सके। बिगेन वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जाम्पल्स एड ऑन वाटर वाइज हैबिट्स।
फर्स्ट टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते हुए टैप को ऑफ रखना चाहिए। मॉप दी फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, मतलब पानी डाल के जो है अपने फ्लोर को नहीं धोना चाहिए, उसकी बजाय वहां पर मोपिंग कर सकते हैं, मतलब पोछा लगा सकते हैं। 13.8 इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर पानी की कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है। यू मस्ट हैव सीन पोटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिडंट गेट वाटर इवन अ फ्यू डेज। आपने देखा होगा जो पोटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब पोट में लगे हुए जो प्लांट्स होते हैं, विल्टिंग का मतलब होता है कमजोर पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं अगर उन्हें वाटर नहीं मिलता कुछ दिनों तक। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल टू प्रिपेयर देयर फूड। से पहले ही चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर है आपका, कि प्लांट्स को वाटर की जरूरत होती है ताकि उनको न्यूट्रिएंट मिल सके सोइल से, ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। इमेजिन करके देखिए कि अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है प्लांट के लिए तो उसका क्या नतीजा होगा। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट, मीन द एंड ऑफ अवर लाइफ। तो इसके हमारे प्लैनेट्स पे प्लांट प्रेजेंट नहीं होंगे तो दैट मींस एंड ऑफ ऑल लाइफ, सारी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट्स के बिना हमें फूड भी नहीं मिल सकता, ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, रेनफॉल नहीं हो सकती है एंड बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हैं। देन है अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, राजस्थान एक हॉट एंड ड्राई प्लेस है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कैरसिटी ऑफ वाटर वॉज मेट बाय अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। जो चैलेंज था कि नेचुरल जो पानी की कमी है उस चीज को कैसे ठीक किया जाए, तो उसका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है ये। A band of social worker has transformed a dry area in the Alwar district into a green place. Social worker ने मिलके जो है इसको transform किया है, जो Alwar district का एक place है उसको dry place से green place बना दिया है। Revived 5 dried up rivers, जो ये name दे रखे हैं river के, उन्होंने क्या किया है, इन river को जो dried up मतलब सूख चुकी थी नदियां, उन्हें दोबारा revived कर दिया गया है, मतलब पुनर्जीवित कर दिया गया है। किस method से, by constructing water harvesting structure, जैसे कि हमने rain water harvesting की अभी बात की थी, तो मतलब ऐसे water harvesting structure जिसमें कि पानी हो सके और उसे रीयूज किया जा सके, वो बना के उन्होंने उन नदियों को दोबारा से रिवाइव कर दिया है। तो ये एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। हमारा जल हमारा जीवन, हमारा जल जो है वही हमारा जीवन है, तो इसमें इस स्लोगन से हमें ये पता लगता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।